कौन सा कागज था, दूसरी पेज पर रह गया उसमें। इसमें कह रहा है कई टेस्ट के माध्यम से हृदय, लीवर, किडनी, थायराइड और अन्य चीजों का आकलन, अमेरिका में हर महीने खून की जांच, बायोडेटा के आधार पर तैयार किया जाएगा खास फिटनेस प्रोग्राम और 35 लाख रुपए देना होगा वार्षिक शुल्क और महीने का 8 लाख रुपए सदस्यता। अब अगर कल को सरकार में बैठा हुआ कोई प्रधानमंत्री अनाउंस कर दे कि जो यो फिटनेस प्रोग्राम अमेरिका में 25 लाख 35 लाख में मिल रहा है, यो प्रोग्राम कार्ड धारकों के लिए फ्री, आयुष्मान कार्ड जैसा कोई कार्ड बनाओ, अपना आधार कार्ड और बाकी का डीएनए सैंपल दो और आपको ये 35 लाख रुपए की जो सेवा है ये फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, तो कैसा रहेगा? सब लोग फिर से लाइनों में लग जाएंगे बनवाने के लिए, सिफारिशें लगवाएंगे, अपना डेटा देंगे, अपना खून देंगे, अपना डीएनए देंगे, अपना डीएनए देंगे मतलब अपनी बीमारियों की जांच देंगे। आपको क्या लगता है ये जो शहरों के अंदर है, ये जो अस्पताल हैं या जो लैब हैं, ये आपके खून की जांच को आपको बताने के लिए कर रहे हैं? कभी इनमें किसी ने काम किया है? कोई है जो इनके साथ टच में हो? हैं एक दो, अभी मैं आपको बताता हूँ। मेरी बात अगर गलत हो तो मुझे टोक देना कि आप गलत बोल रहे हो। इन लैब के अंदर मनमर्जी से रिजल्ट को मैनिपुलेट किया जाता है, किया जाता है कि नहीं होता है? डॉक्टर बताता है कि आजकल यार थोड़ा इतना दिया कर, ये पॉइंट ना इतना करके दे दिया कर, मतलब ये लैब के लिए डॉक्टर बताता है, उनकी खुद की लैब है और वो ऐसा करते हैं और उनको पता है, और हर डॉक्टर का कमीशन है, हर टेस्ट का कमीशन है, और क्या 50% है, यानी आधा डॉक्टर के पास जाता है, ठीक है? है? कोई सा भी हो, बकेट टेस्ट भी हो चाहे कोई टेस्ट हो, 50% डॉक्टर का जाएगा। सिर्फ थ्योरेटिकल देना है भाई, ओके है ये, उसमें 80% डॉक्टर का है। सिंक टेस्ट मालूम होता है डॉक्टर को किसको क्या हुआ है, सब फर्जीवाड़ा था। तो इसका मतलब ये जो डॉक्टर जिनको हम डॉक्टर कह रहे हैं, ये डॉक्टर हैं कि राक्षस हैं, आप ही बता दो, हैं कि नहीं? जो पैसे के लिए काम करेगा वो डॉक्टर तो नहीं हो सकता भाई। हाँ, जो नहीं करता उसको मैं राक्षस नहीं कह रहा हूं, उसके लिए सेफ साइड रख लेते हैं ना, कोई मान आने का दावा कर दे। मैंने सबको थोड़ी कहा था, मैंने कहा था जो पैसे के लिए काम करता है वो सत्यानाशी है, उसी ने नाश करा था अपने समाज का। तो अब ये करते क्या है, जितनी भी रिपोर्ट आपकी ऑनलाइन जाती हैं, असल में उनको वही वाला मैटर जो आपको देना है, ब्लड ग्रुप वो इनके काम का नहीं है। और वो सैंपल जब वहां जाएगा तो जो असली रिपोर्ट है, यानी आपके, देखो आपका आधार कार्ड है, आपके आधार कार्ड के बाद आपका जो वैक्सीन का सर्टिफिकेट है, उस वैक्सीन के सर्टिफिकेट जोड़ा हुआ है उन्होंने आधार के साथ, उस वैक्सीन के सर्टिफिकेट के ऊपर यह भी लिखा हुआ है कि उसमें वैक्सीन का कौन सा बैच लगा हुआ है, बैच नंबर है ना वैक्सीन का उसके ऊपर लिखा हुआ, इसका मतलब उनको पता है कि किस बैच नंबर में कौन सी दवाई है, उनको मालूम है कि उसके अंदर क्या डाला हुआ है। तो क्या डालने से किस व्यक्ति को अब क्या हो रहा है, वो सारा डेटा उन रिपोर्ट उन टेस्टों के माध्यम से होता है। तो ये जितने भी मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में बन रहे हैं, जितने भी पंजाब के अंदर अब नए डेटा सेंटर बन रहे हैं, वो सारे के सारे बायो डेटा जो इकट्ठा कर रहे हैं, वो डेटा का एक ही काम है कि आपके ऊपर जो इन्होंने मास एक्सपेरिमेंट किया था, उस मास ट्रायल का रिजल्ट क्या आ रहा है उसके ऊपर निगरानी रखना, ताकि आने वाले टाइम में आपके जीन्स के साथ और छेड़खानी कैसे करनी है इसका उनको एग्जैक्ट पता चल सके। इसीलिए आपको उन लैब्स का एक्सेस दिया जा रहा है आयुष्मान कार्ड के जरिए, ताकि आप प्राइवेट अस्पतालों में जाओ और मैक्सिमम वहां जाकर के इस तरह की एक्टिविटीज पे काम करो। समझ गए? समझ आ रहा है गेम? तो अगर सरकार आपके लिए काम करेगी, मान लीजिए आप ये कहते हो कि सरकार हमारे लिए काम करती है, तो फिर भाई वो कर्जे के मामले में क्यों नहीं करती है?
फिर हमें एक्सीडेंट हो जाए तो वहाँ क्यों नहीं करती है, हमारे बच्चे की शिक्षा के मामले में क्यों नहीं कर रही है, हमको रोजगार के मामले में क्यों नहीं कर रही है, जो चीज हम मांग रहे हैं उसमें क्यों नहीं, उसको देने में क्या तकलीफ है उसको, अगर वो हमारे लिए है तो उसे वो करना चाहिए जो हमको चाहिए कि नहीं भाई। लेकिन वो नहीं कर रही है जो हमको चाहिए, वो कर रही है जो उनको चाहिए। यही वाली सरकार भी, इनसे दूसरे वाले भी, इनसे पहले वाले भी, इनके बाद वाले भी, वो सब यही कर रहे हैं। तो हमको मालूम नहीं हमको क्या चाहिए, यहां फंसे हुए हैं बस हम। तो देश की जनता को इस लेवल पे जागरूक अपन ने करना है कि हमको क्या चाहिए। नहीं समझे? हाँ जी भाई, क्लियर हो रही है बात कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं? तो अब आपको एक बात समझ, एक और पेपर था देना जरा जो मैंने दिया था आपको, है इसके भी पॉइंट पे ले ही लेता हूं। कौन सा था? हाँ, इसकी जो मैंने खबर थी जिसके लिए मैंने ये उठाया था, बस एक ही खबर के लिए था। इसमें एक तो ये है, क्रेडिट कार्ड बकाया भुगतान के लिए मिलेंगे 3 दिन अतिरिक्त। चलो ये तो कोई बात नहीं, ये तो उन्होंने कहा है कि चलिए पता है हमको तुम दे नहीं सकते, 3 दिन और दे के थोड़ा एहसान कर रहे हैं 3 दिन का। लेकिन जो सबसे खतरनाक और सबसे गलत जो चीज़ ये डेट जो सरकार, ये जो अखबार है, ये आपके दिमाग में डाल रही है और जो गलत है बहुत ज़्यादा, जिसका हमको विरोध करना है, और हो सकता है तो कोई वकील हमारे बीच में बैठा हुआ तो इसके ऊपर मुकदमा करे अखबार के ऊपर, ताकि अखबार छापे ये बात। और अभी मधुकर भाई इसमें बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं। इस अखबार की हेडलाइन है, सरकारी बैंकों को 2023-24 में रिकॉर्ड 1.42 लाख करोड़ का मुनाफा हुआ, यानी लगभग 1.5 लाख करोड़ का मुनाफा हुआ, और एनपीए 0.2% से नीचे गया। सरकार की 4R की रणनीति से बढ़ा बैंकों का लाभ। देखो इसके अंदर जो सबसे आपत्तिजनक शब्द है वो है सरकारी बैंक, सरकारी बैंकों का, क्योंकि एक भी बैंक सरकारी नहीं है। ये बात हम बोल रहे हैं, सरकार को भी बोल रहे हैं, देश को भी बता रहे हैं, आरबीआई भी प्राइवेट है, बैंक भी सारे प्राइवेट हैं। और ये मद्रास हाई कोर्ट का फैसला है, जाओ सर्च किसी भी सर्च इंजन के ऊपर सर्च करो, मद्रास हाई कोर्ट डिसीजन ऑन आरबीआई, वेदर आरबीआई इज ए गवर्नमेंट और प्राइवेट, तो आपको पता चलेगा 2020 का फैसला है ये, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि आरबीआई एम्प्लॉयज एंड द बैंक एम्प्लॉयज आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। सरकारी होगा तो सरकारी एम्प्लॉय होगा, प्राइवेट होंगे तो प्राइवेट एम्प्लॉय होगा, क्यों जी? यही मतलब होगा इसका तो, अगर वो सरकारी नहीं है तो प्राइवेट है, या सरकारी नहीं है तो सरकारी है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। जब हाईकोर्ट का फैसला ये कह रहा है कि सरकारी नहीं है, तो इसका मतलब, इसका ये मतलब निकलता है कि वो प्राइवेट है। तो सरकारी कौन सा बैंक है? एक भी बैंक नहीं है। तो इस अखबार पर मुकदमा होना चाहिए, और जो बैंक अपने आप को सरकारी बोल रहा है उस पर भी मुकदमा होना चाहिए, है कि नहीं? कहीं भी किया जा सकता है, अखबार में छपा है, बढ़िया है जी, ठीक है। अब एसबीआई को इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की भर्ती क्यों करनी पड़ेगी भाई? सरकारी बैंक एसबीआई है ना, और क्योंकि बैंकिंग इनको ऑनलाइन करनी है सारा का सारा खेल, तो इंजीनियर तो इसलिए चाहिए ना उनको, अभी डेटाबेस तैयार कर लेंगे, फिर उनको एआई के साथ कनेक्ट करना है, फिर सीबीडीसी में लेके आना है, उसके लिए गेम प्लान है। बाकी एक और चीज़ है, मतदाता 70% वोटिंग करके तोड़ देना। हाँ हाँ मालूम है मुझे, मैं फैसला पड़ा मेरे पास तो, ठीक है ना। मैं तो इसलिए चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, लोग ढूंढे अपने आप से, वो लोग मेरे को बोलते हैं, मेरे को मैसेज करेंगे, वो फैसला भेजना, अरे ढूंढने में तूने मेरे को मैसेज किया यार, सर्च कर ले, थोड़ी रिसर्च करना सीखेगा अपने आप से, मेरे से ही पूछ लेगा। तो हमारे यहाँ बात यह है कि खुद रिसर्च करना सीखो, हम आपको ये ट्राई कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आप 5 दिन में इतने ट्रेंड तो हो गए होंगे कि आप रिसर्च करना सीख जाओ, वहाँ क्या लिखा हुआ है इसका मतलब भी पता लगने लग गया आपको, पता लग गया कि नहीं?